वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार करता हूँ आप सभी का स्वागत इस नई वीडियो में। तो गाइस जैसा कि हम थंबनेल में देख लिया होगा कि हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस हम बात करने वाले हैं एक एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन का नाम है GFX टूल। मैंने बहुत सारे टूल्स एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बना रखा है, लेकिन ये एप्लीकेशन जो है ना बहुत सारे लोगों को कमेंट में मतलब कि मेंशन करके पूछ रहे हैं कि भाई मतलब इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दो, किसे मतलब एक्चुअल में है क्या। तो सारा कुछ यहाँ पे जानेंगे कि GFX टूल क्या है, कैसे यूज करना है और इसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। तो गाइस सबसे पहले तो चैनल पे नया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल की घंटी भी दबा लो ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन वगैरह जो होता है आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। देख सकते हो स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आप लोग समझ पाओगे कि जो हमारे पास GFX टूल एप्लीकेशन है वो क्या है, कैसे काम करता है। सबसे पहले तो मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखो जब भी आप लोग इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देने को मिल जाएगा। ईजिली थोड़ा सा वेट करने के बाद ये जो GFX टूल है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अलाउ कर देनी है, मतलब जो भी आपसे परमिशन मांग रहा है इसे आपको दे देनी है। परमिशंस वगैरह देने के बाद आपको क्या करना है, ये बोल रहा है सेलेक्ट फोटोज वीडियो एंड अलाउ एक्सेस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसे एक्सेस यहाँ पे देंगे नहीं, अगर आपको इसे देना है तो बहुत ही सही से दे सकते हो। तो हमें इसमें क्या क्या सारी चीज़ें मिलती है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक ऑप्शन हमें देखने को मिलती है स्टार्ट। नीचे की तरफ में आपको प्राइवेसी पॉलिसी और शेयर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे अलाउ कर देना है। ये आपसे कुछ ना कुछ तो गाइस परमिशन तो जरूर लेगा, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके इससे एक्सेस दे देनी है। और यहाँ पे बोल रहा है रेटिंग देने के लिए, तो आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चार पांच चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले AI टूल आपको देखने को मिलता है जो कि आप लोग देख सकते हो, और GFX टूल भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। हेडशॉट टूल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और फ्री डायमंड का ऑप्शन यहाँ पे मिल पाएगा यहाँ पे, और वॉलपेपर्स भी यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो सारा कुछ यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले AIM टूल्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसमें जो है ना कि टूल्स को मतलब इस AIM बटन्स को सेट कर सकते हो। जैसे कलर्स वगैरह में कोई चेंजेस चाहिए या फिर कुछ भी, तो आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से अपना सेट कर सकते हो। सेकेंड हमारा आता है GFX टूल। यही बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों ने है ना यहाँ पे अपना अपना यहाँ पे ओपिनियंस दिया हुआ है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना कि आप लोग अपने हिसाब से रेजुलेशन, FPS, ग्राफिक्स, उसके बाद आप लोग बहुत ही आसानी से चेंज भी कर सकते हो। जितना आपको चाहिए आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो, या फिर ऑटोमेटिक ये यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे प्ले वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे ना, तो ये जो गेम है मतलब जो सेटिंग्स है ये आपके जो है ना कि होम गेम एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई हो जाएगा। मैं इस ऐड को यहाँ पे क्या करता हूँ थोड़ा सा कट कर लेते हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारा एड्स का सामना करना पड़ सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपका जो है ना कि पूरा का पूरा यहाँ पे सेट हो चुका है GFX। हेडशॉट्स की बात करो तो सेम इसी तरीके से आप लोग अपना हेडशॉट्स वगैरह सेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग जो है ना इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। बात करते हैं फ्री डायमंड्स के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गिवअवेज वगैरह, गूगल्स ओपिनियंस रिवॉर्ड और अदर चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और इनका गिवअवे वगैरह देख लेना है कि कब गिवअवे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे गूगल ओपिनियंस की बात करूँ तो ये एक एप्लीकेशन भी है गाइज। गूगल ओपिनियंस अगर आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो अलग से एक एप्लीकेशन मिलेगी जिसमें आपको कुछ ओपिनियंस देकर पैसा कमा सकते हो। वो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे दिया है, लेकिन अगर आप लोग अलग से उसे यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारी बारी आती है इसमें वॉलपेपर। वॉलपेपर की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे अच्छी मुझे यही लगा कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो है ना कि HD क्वालिटी का जो वॉलपेपर है और जैसा चाहिए वैसा वॉलपेपर आपको इसमें मिल जाएगा। तो बस इतना ही सारा कुछ था जो भी था, मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपके माइंड में इससे रिकॉर्डिंग कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन एक और मतलब एक और चल रहा होगा कि मतलब ये जो एप्लीकेशन है हम अगर यूज करते हैं तो मतलब हमारा आईडी कहीं बैन तो नहीं हो जाएगा, ये सबके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा होगा। तो इसे मैंने यहाँ पे चेक करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पे इस एप्लीकेशन को सर्च करा। इसकी डाउनलोडिंग की बात करूँ तो 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड करा है। रिव्यूज़ की बात करूँ तो 4.4 की रेटिंग दी गई है। तो जैसे गाइस इस पर क्लिक करके सी ऑल रिव्यू पर क्लिक करोगे ना, तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना यहाँ पर ओपिनियंस दिया है। आप लोग बहुत ही आसानी से इसमें पता कर सकते हो कि एप्लीकेशन की क्या स्थिति है। यकीन मारो आपको जब मतलब ज़रूर से एक बार जो है ना कि अपना रिव्यू चेक करना है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में पूछो, मैं आपको इजीली रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है ना आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल की घंटी भी दबा लो ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन वगैरह जो होता है आपको टाइम पर मिलता रहे। और मिलते से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।